इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर गुप्ता, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर सिन्हा, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी, ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेंद्र भूषण, यहाँ के जिलाधिकारी सुभाष, आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे तमाम सारे इस इंस्टीट्यूट के फैकल्टीगण, विशेष छत्तीसगढ़ बच्चों, ईवीएम सज्जनों, सबसे पहले तो मैं संस्थान के सातवें स्थापना दिवस पर आपको तहे दिल बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जैसा कि यहाँ के फाउंडेशन डायरेक्टर ब्रिगेडियर गुप्ता ने जब वो इसके बारे में बयान कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने बच्चे के बारे में कि बच्चा मेरा इतना अच्छा खेलता है, इतना अच्छा पढ़ता है, गणित में वो बहुत आगे का हल निकाल लेता है, अंग्रेजी इतनी अच्छी बोलता है, जैसे वो अपने बच्चे के बारे में अपने तमाम सारे बयान करते अपने प्यार से, वैसे जो आपके उद्गार निकल रहे थे मुझे देख करके वही फीलिंग हो रही थी। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने इस बच्चे को शुरू से पाला है और इसको मजबूत किया है। और सबसे बड़ी बात, जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, न केवल आपका सर ग्रेटर नोएडा बल्कि पूरा दुनिया इसके ऊपर जूझ रहा था, ऐसे समय में आपने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर गुप्ता जी और आपकी फैकल्टी को, आपके सारे लोगों को। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि आपने केवल इसको एक पढ़ाई का संस्थान, यहाँ पे बच्चों को हम MBBS देंगे या मास्टर्स की डिग्री देंगे वही नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के बारे में जो तमाम सारी बातें शेयर की, उसको देख के लगता है कि उससे उन बच्चों में कोई डॉक्टर बनता है, केवल डिग्री हासिल करके नहीं बल्कि पूरा इंसान बनकर। डॉक्टर में कंपैशन चाहिए, डॉक्टर में केयर चाहिए, डॉक्टर में वो इमोशंस चाहिए जो समझने के लिए, लोगों को बात को समझने के लिए, कम्युनिकेशन के स्किल्स चाहिए कि जिससे वो अपने पेशेंट के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकता है। आपने कहानी पढ़ी होगी डॉक्टर्स वर्ल्ड, एक शब्द डॉक्टर का कितना महत्वपूर्ण होता है लोगों की जिंदगी और जिंदगी के आगे की चीज़ को तय करता है। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आपने तमाम सारी जो चीज़ें यहाँ पर बताई, मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा। आपने ये भी बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे हम रिसर्च के बारे में भी, लेबोरेटरी के बारे में भी, न केवल वो अलग प्रयोग करते हैं बल्कि उसको रिसर्च के बारे में, क्योंकि अगर आखिर में आगे चल करके तो वही किसी भी संस्थान का भविष्य निर्माण करता है। इसमें भी बहुत सारा चीज़ आपने किया है और मैं समझता हूँ कि चीज़ और आगे बढ़ती रहेगी, तभी जाकर के संस्थान आगे बढ़ सकता है। जरूर आपकी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल कठिनाइयाँ हैं, अभी भी आपके कॉलेज का अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है, आपका खुद के संस्थान के लिए तो तमाम सारी सुविधाएं तो नीचे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो कुछ हासिल किया वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। आज हमारा देश जिस प्रकार से बदल रहा है, जिस प्रकार से देश में चीज़ों को की व्यवस्था की जा रही है, जो सबसे बड़ा फोकस आज है वो है ईज ऑफ लिविंग के ऊपर, कैसे लोगों को जिंदगी में हम आसान कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर, कैसे हम चीज़ों को कितना आसान कर सकते हैं, चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और आपने जब अपनी चीज़ों को बयां कर रहे थे उन चीज़ों को बड़े ध्यान से मैं देख रहा था,
कि आप कैसे लोगों को ये सारी चीजें कर रहे हैं और आगे और कुछ करने का भी आपको जरूरत है। ये भी देख करके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ये केवल अपने आप में केवल मेडिकल का इंस्टीट्यूट नहीं है। मेरी आलोक से अपने साथ में बात हो रही थी, मेडिकल ऐसे इंस्टीट्यूट का काम एक तो डॉक्टर्स की फौज को तैयार करना जो लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य इंसान को बेस्ट काम करने के लिए अपनी पूरी पोटेंशियल को हासिल करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं और वो जब अगर दोनों स्तंभ अगर सुदृढ़ रहे तो वो समाज बहुत आगे बढ़ता है, समाज बहुत कुछ काम कर सकता है। तो ये तो है ही, लेकिन उसको और मजबूती देने के लिए जो आपके साथ में जो पैरामेडिक्स है, जो नर्सेज हैं, उसको भी सेल्फ फाइनेंस सिस्टम में आपने यहाँ से शुरुआत की। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ फाइनेंस विदाउट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट आप इसको जो है इस व्यवस्था को भी यहीं पे इंस्टीट्यूट में शुरुआत किया। यहाँ पे हमारे कैंपस पे अभी यहाँ पे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ वहाँ के भी डायरेक्टर साहब हैं, आए हुए हैं मुझसे अभी सामने ही, अभी तो नहीं दिख रहे कहीं भी, सॉरी मैं इधर देख रहा था, अभी देखिए अभी हाल में ही यहाँ पे आए हैं और पूरी एक नई ताकत के साथ कि जो हेल्थ का जो हेल्थ केयर बच्चों के हेल्थ केयर के बारे में जो मल्टीपल डिसिप्लिन जो काम होता है उसको कैसे सजो सकते हैं, वो आज आप देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट किस प्रकार से अगले 7 साल में काम कर, इतनी सारी संभावनाएं हैं। तो आपने जो बात की वेस्ट के बारे में कि वेस्ट में कोई भी हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है, सब ये सारी बातें भी तो चुनाव का वक्त है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बट इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो यहाँ की ज़रूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी पूरी कोशिश करेगी। यहाँ ये एक नया उगता हुआ शहर है, ग्रेटर नोएडा। मैं पूछ रहा था नरेंद्र से कि यहाँ की आबादी कितनी है, बताया कि लगभग 12 लाख की आबादी है, यानी मिलियन प्लस सिटी तो ऑलरेडी हो चुका है और संभावनाएं इसको मल्टीपल टाइम्स बढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे अभी आपके बगल में जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वो अपने आप में एक नई संभावनाओं को लेकर के खड़ा हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज इसके आसपास हो जाएगी। उन तमाम लोगों को जैसे हमारी आबादी बढ़ती है उस आबादी के हिसाब से उनकी शिक्षा की भी और स्वास्थ्य की भी जरूरतें बढ़ती हैं। उस चीज को पूरा करने के लिए आपके संस्थान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व होगा। मैं कहूँगा कि बहुत ही एक आगे की सोच लेकर के जो पीछे जो बना आपका 7 साल पहले संस्थान स्थापित किया गया, इस सोच को लेकर के बना और इसको तो बहुत आगे बढ़ना गुप्ता जी, अभी तो आप शुरुआत की है, मैं तो मैं सोचता हूँ कि आपके संस्थान को बहुत आगे बढ़ना और बिल्कुल राज्य सरकार की तरफ से हम लोग पूरी की पूरी, अभी मैं उससे डिटेल में नहीं जा सकता लेकिन उन चीज़ों को हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि कैसे हम लोग इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की इसकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोशिश करें। मैं ऐसे